कोई बॉडी पार्ट ऐसा जो अल्टर कराना चाहे, अल्टर सॉरी, इसमें कोई मुंह बनाने की जरूरत नहीं थी, बॉडी पार्ट बहुत सारे होते हैं, वो बहुत सारे बॉडी पार्ट ही तो आ गए थे इनमें। अगर पैदा होने का मौका मिले तो कौन से डेकेड में पैदा होना चाहेंगे? यार वो टेस्ला आइंस्टाइन टाइप माहौल अच्छा लगेगा यार, बड़ा मजा, इंस्पायरिंग कितना होगा। सोचो डिसअपॉइंटमेंट हो, वो कुछ भी ना करते हो, सिर्फ किताबों में ऐसी स्टोरियां हुई है, बैठे मल्लू बना रहे यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट। आप बैठे हुए इस वक्त TBS फ्री प्रेजेंटेड बाय राष्ट्रपति प्राइम, आपकी भरपूर तालियों बुलाने जा रहा हूं मोहित मिर्जा। थैंक यू मोहित भाई, बैठिए, हैव अ सीट, वेलकम टू TBH 3। अच्छा कैसा लग रहा है एक ऐसे शो में बैठ के जिसके 3 सीजन आ चुके हैं? अगला सीजन तो नहीं आ रहा है, सीजनल है जो आ रहा है। अभी सुना बैंकॉक में फंस गए थे, खुद फंसे थे या एक तो ये बासित जो है ना, बासित ये बासित लौंडा ठीक नहीं है। हाँ ये अभी की बात नहीं भाई, 1 साल 1.5 साल होने को आ रहा है, पिछले मार्च अप्रैल में फंसे थे। तो हमारी मुलाकात कब हुई आखिरी बार? उस फंसने के बाद आपको देखा फंसे हुए, अब मुलाकात हुई। असल में मैं फंसा सही, फंसे सही थे आप, नियत सही थी, नियत सही थी, लेकिन 21 लोग थे यार साथ, ये तो बुरी बात हो, भंड ये था, उनमें से बहुत सारों के साथ आप फंसना भी नहीं चाह रहे? बिल्कुल नहीं चाह रहा। कभी ऐसा दिल चाहा बैंकॉक में कहीं अकेले जाके फंस जाऊं? नहीं नहीं, वो जहां फंसे हुए थे वहीं सब अवेलेबल था, सब अवेलेबल था। अच्छा जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं मोहित भाई, जहां हम दोनों के करियर का स्टार्ट हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, आज अल्लाह ने मुझे कितनी इज्जत दी माशाल्लाह जी, इनको इनको इज्जत दी, और मेरी तो रबड़ की चप्पलों का कारखाना है ना। नहीं ऐसा था कि मुझे याद है कि मैं यहाँ आया था और आप वहां स्टार की तरह बैठे थे। सही बात है, ऑडिटोरियम में सब मुझे बड़ा लगता था क्योंकि मैं छोटा था, सिचुएशन कुछ यूं थी। हाँ, यूं थी, यूं थी। अब ऐसा है कि बराबर बराबर होगी, तो आपने मेहनत क्यों नहीं की? मैंने अच्छा सबसे तो ऑकवर्ड सिचुएशन बाथरूम में जब होती है, जब आप एयरलाइन में जब बाथरूम ही आना, पेट खराब है तो बाथरूम ही आता है, तो ऐसा है कि एयरलाइन में सबसे अच्छी सिचुएशन जब होती है जब आप बाथरूम में जाएं और आप टाइम लगा रहे हो, सही बात, और बाहर लोग खड़े हो, आपको पता हो कि यार बाहर लोग खड़े भाई, हमारे लिए तो जगह ही नहीं होती उस बाथरूम में। हाँ भाई, मतलब करके क्यों करें, कोनिया करें, क्या ऐसा कुछ होता है सिचुएशन अजीब, और वो हिचकोले भी घारा होता है, एंगल भी सो रहे हैं। मैं तो बकायदा पायलट को बता के जाता हूँ भाई पार्किंग में ले ले, जरा सीधा रख लो। ये जो खिताब आपको मिला बाजी का, बाजी के नाम से आप मशहूर, ये खुद आपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड खिताब है, ये खुद लिया आपने, सेल्फ प्रोक्लेम बाजी है। नहीं वो जो बाजी थी वो वाली बाजी नहीं थी। कौन सी वाली? वो जिनको पता है वो कौन सा बाजी है, बाजा है, वो पता है उन्हें। कौन लोग हैं जिनको ये बात पता होती है? वो है एक कल्ट, कल्ट है बाजी कल्ट, बाजी कल्ट। क्या सीन था बाजी, इशरत बाजी का आइडिया? यार मैंने एक सिटकॉम किया 2006 में, वो हिट हो गया। हाँ हिट हो गया यार, वो फिर बाजी की छाप धोता रहा मैं। तो कैसे निकले जाल से? मुझे भी अब जो भी फोन आता है यार थोड़ी कॉमेडी कर दे, ये क्या बात हुई यार? हाँ खड़े हो जर करके दिखा। हाँ, किसी को बताओ मैं कॉमेडियन हूँ, अच्छा सुना दोगे? मैंने खड़ी खड़ी सुना देता हूँ। अच्छा आपको एक्टिंग का शौक कैसे हो गया? मुझे कैसे हो गया? मुझे नहीं हुआ। आपने 2-4 जो कैरेक्टर पकाए हैं वो जो आप करते रहते हैं लोगों के साथ गेस्ट बुला के? 2-4 इसलिए करता हूँ क्योंकि गेस्टों की रेंज ही इतनी आ रही है, मेरे पास तो बड़े कैरेक्टर हैं। अच्छा ये अब आप कह रहे हैं धोता रहा हूँ मैं बाजी को, अपनी ये वाला कैरेक्टर को बाजी धोता रहा हूँ, लेकिन अब आप फिल्म म्यूजिक बना रहे हैं। हाँ तो जब धो दिया तो धो के फ्रेश करके सुखा के खड़ा चाहिए, कड़क कलफ लगा के लाए। क्या मूवी बना रहे हैं? बन चुकी निकल नहीं रही। अच्छा क्या प्लॉट है अगर स्टोरी ना भी बता पाए? 500 गज का। अच्छा स्मार्ट जवाब दिया, बस थोड़ी मेहनत, थोड़ी मेहनत, मेहनत खत्म कर ली, मेहनत खत्म कर ली है मैंने, वो भी की और काम पे भी। एक्टिंग में हाउ डू यू रेट योरसेल्फ? आप फारिग कह रहे हैं, हम फारिग होंगे। मैंने कब कहा फारिग? आप मुस्तकिल लिए जा रहे हैं मेरी। आप यही तो कह रहे हैं मेहनत कर लेते तो क्या? अब मोहित भाई मेहनत की आपने, आप इतने बड़े स्टार हैं तभी तो यहाँ बैठे हैं, वरना ये बासित के साथ इंटरव्यू ना कर लेते। बनाना चाह रहे हो आप कुछ ना कुछ, निकल आए कॉन्ट्रोवर्सी, कुछ हो जाए, इल्जाम मुझ पर लगता है तू कर रहा है ये, तू है वो शख्स। अभी तो पेट का जरासीम कर रहा है जो कर रहा है।
भाई आप जब इशरत बाजी में थे, छाए हुए थे टीवी पे, मैम आपके सारे आपके फैन थे, और बहुत सारे ड्रामा में आप आ रहे थे, मतलब तकरीबन जो चैनल चाहो आप ही आ रहे थे, फिर आप गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, फिर आप आ जाते हैं, कहाँ जाते, कहीं गायब होके लोग बदलने जाते, तो जवान हो आ गया, तो जवान होके हो यार। चक्कर ये कि मैं सेम लोग के साथ मैंने कभी काम नहीं किया। अच्छा बात आप वही कर रहे हो, मतलब हॉलीवुड के बड़े स्टार्स वाली? नहीं नहीं, मैं कोई जॉनी डीप वाली बात नहीं, जॉनी डीप वाली बात नहीं, लेकिन बात आपने डीप करने की कोशिश की, बात थोड़ी गहरी थी ये बात कि मैं वो नहीं करता, लेकिन मतलब आपसे पतले होके आए हो, ऐसा कोई कैरेक्टर ऐसा खास नहीं है कि दांत बड़े हो गए, आंखें छोटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पतले। अच्छा मोटा पतला हो रहे हो आप? आ रहे बोल नहीं रहे आप, मसला ये लगा भी देते हो ना तुम, ये नहीं काट देंगे, नहीं नहीं घंटा नहीं कटता, हम ये बातें काट सकते हैं, घंटे वंटे काटने का काम कर, बिल्कुल डरने की बात नहीं, जो अपना घंटा ला रहे है वही लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप एक्टर हैं, अमीर भी हैं बाय डिफॉल्ट, तो आपको ब्रिज का उस पार अच्छा लगता है या इस पार? बाय डिफॉल्ट में ब्रिज के उस पार ही था, 10 रुपए लेके 15 रुपए लेके स्कूल जाता था भाई, कोई 10-15 रुपए स्कूल लेके। जी जी, कम से कम आप में से 2-2.5 साल तो बड़े हो गए, अगर मैं डिस्काउंट भी दे दूं। मैं बहुत पुराना आलू, हमारी एज का कोई बंदा जो 10-15 लाता था ना, उस मन में अमीर होता था। हम 2-2 रुपए लेके जाते थे और वो आलू के पैटीज खाते थे लाइन में लग के, 12 रुपए तो खर्च हो जाते थे बस के किराए में भाई। कभी कोई बस में मिला नहीं, क्या तुम्हारा किराया मैं दूंगा? वो किराए से पहले कंधे पे आते हैं ना, कंधे आपने कंधे पे आने नहीं दिया सर, कोनी हुई रहती, कोनी रेडी, आप कंधे हैं भी तो इतने ऊंचे। हाँ ये बात, वो यहाँ तक आ रहे हैं। लग रहा होगा। अच्छा कोई ऐसा एक्टर या फीमेल या मेल जिसके साथ आप नॉटी होना चाहिए? अब नॉटी का मतलब ये नहीं है कि, एक सेकंड यार, कौन सी ऑडियंस बुलाई है आज, नॉटी का मतलब ये नहीं है कि नॉटी हो जाए, मतलब ऐसी कोई प्रैंक कर दिया कुछ ऐसा कर, छिड़ा छिड़ी नहीं, आपकी फट क्यों रही? नहीं, आप वाला नॉटी नहीं पूछ सकते थे। मैं असल में पता है क्या पूछता हूँ, सही वाला नॉटी हूँ, जवाब लोग उस वाले नॉटी का दे देते हैं, फंस मैं जाता हूँ। देखिए आपने कहा मेल या फीमेल, मेल का तो कोई चक्कर नहीं है। अच्छा चक्कर ही नहीं है, इतना इतना सीधा चल लिया आदमी। खवातीन में कौन है जो आपको समझ, पोटेंशियल जिनमें है, जो हल्की सी हिंट दे, हल्की सी भी हिंट दे। अच्छा एक हिंट दे के दिखाए, मैं मोहित मिर्जा हूँ और आप मुझे हिंट दें, मुझे आज तक हिंट नहीं मिली। बालों को हाथ लगाना काफी होता है, तो आप मेरे बालों को हाथ लगाएं? नहीं, नहीं। वो बालों को बात करते हुए हाथ लगाएंगे। अच्छा अच्छा, अबे ये तो यार असफर भाई कर रहे थे आज, मेरी पेट खराब थी, कह रहे थे कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूं। और फिर थोड़ी देर तक आंखों में देखा भी, हाँ थोड़ी देर देखा भी, ताबिश 20 मिनट। Appearance, contacts, PR या Instagram के follower, आजकल क्या चाहिए हिट होने के लिए? Instagram के followers. क्या फर्क, खरीद भी रहे लोग, कुछ लोग मैंने देखा यार 5-5, 10-10 हज़ार भी उनको ब्लू टिक मिल जाता है, मैं अप्लाई करे जा रहा हूँ मुझे ब्लू टिक नहीं दे रहे हो, 80-90 हज़ार हो चुके हैं। देखिए पहले आपको असल में अप्लाई गलत चीज कर रहे हैं, आपको अप्लाई करना है बर्गर का सर्टिफिकेट पहले। ओके, उस पे ब्लू टिक आ जावे तो ये भी आ जावे। अच्छा ये मैं बर्गर बनना पड़ेगा मुझे। अच्छा बर्गर बनने के लिए क्या वजाद रहूँ के घर जाऊँ, क्या करूँ? नहीं नहीं, बर्गर कैसे, जो टैलेंट आ रहा है वहां जा रहा है। मुझे असली जो होता है ना, असली बर्गर, उससे कोई मसला नहीं, जो वाना भी होता है उससे वाना भी। अच्छा फर्क क्या है दोनों में, असली बर्गर और आप पहचान लेते हैं? अरे कैसे, जूते से। अच्छा बर्गर के जूतों में क्या फर्क होता है, जूतों में फर्क बताएं? हाँ जूते से थोड़े से ऊपर ना उसके मोजे रंग बिरंगे नहीं होते। बर्गर के या मेले के? जाली बर्गर के, जाली रंग बिरंगे नहीं होते, इसलिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट पहन गया, नहीं तो इशारा नहीं था भाई, पूरे सीजन के सीजन पड़े हुए रंग बिरंगे मोजों के। यार ये तो है, मोजे तो रंग बिरंगे, कोई एक चीज तो रंग बिरंगी हो। सही बात, मेरे पास दो होती हैं, दो मोजे हैं ना। क्या तब बात घुमा के ले गया वो। मोजे में नहीं आई। अच्छा आप मोजे क्यों नहीं पहन के आए? सर मैं मोजे पहने हैं सफेद रंग के, अंदर तक है लगता, बाहर नहीं निकल रहे। नहीं बाहर नहीं आएंगे ना, हमारे छोटे तक नहीं खाना अलाउड नहीं है। नहीं नहीं, जॉगी वाले मोजे ले, बड़े वाले ऊपर से लेके नीचे तक लेगिंग्स पहन के आ गया, अपना बुरा लगेगा यार। सर योगा पहन, एक जमाना था बहुत सुपर हिट थे, फिर एक जमाना ये आया होगा लाइम लाइट में नहीं होंगे, तो ऐसा होता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है इंडस्ट्री का।
नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, बात यह है कि मेरा फोकस कभी इस तरह का था नहीं कि ओ वो वाली लाइमलाइट और मैं हर जगह मौजूद और वो, मेरा फोकस ये है कि भाई मैं क्या कंट्रीब्यूट क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेटली अगर आप ये कह रहे हैं कि आप नजर आते हो फिर नहीं नजर आते, मैं नजर क्यों नहीं आता हूँ ये भी तो पूछो। पूछा ना आपने, कहा मैं चेंज होने चला जाता हूँ। चेंज होने गया लेकिन उसके साथ कुछ जिम्मेदारी भी है। बताएंगे ड्रामा है, 26 से 30, 32 किस्तें हैं, उसमें एक हीरो है, वो 22वीं 23वीं तक विलन है, अचानक बदल जाता है, सबसे बड़ा कुत्ते का बच्चा वही है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ऐसा ही है, ऐसा ही। और उसके बाद वो कोई एक अच्छी डीट करेगा और वो हीरो हो जाएगा अचानक, हेंस बिलबोर्ड लगा हुआ मेरा साई अबे पौका। ये कौन सा हीरो है भाई, हम बचपन से कैसेट कहानी सुनते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, उसमें एक विलन होता है, एक हीरो होता है, नेकी और बदी साथ साथ चलती है ताकि आपको पता चले कि ये बुरे लोग होते हैं ये वो। नहीं जी, एक ही आदमी और भंड है अबे। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुरू में थप्पड़ मार रहा है, ये कर रहा है, डाकू है। यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट। नेटफ्लिक्स देखते हैं जी, क्या देख रहे हैं आजकल? मैंने देखा या मैंने पुरानी फिल्म देखी डेविल्स एडवोकेट, तो एक ही चीज देखी अभी जो रिसेंट देखी वो बता रहा हूँ। अपनी आईडी खुद इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्त? नहीं नहीं अपनी, बल्कि खुद बांटी भी बांटने वालों में समय। यार मैंने भी बांटी नहीं है, अब गलती से कोई जिसको बांटी हुई ना उनका प्रोफाइल क्लिक कर लो तो अल्लाह हो। मैं तो उन्हीं की प्रोफाइल से देखता हूँ। मैं बड़ा मजा आता है मैं प्रोफाइल मैंने बांटे में जा के चेक भी कर रहे हैं, चेक कर रहा हूँ क्या क्या देख रहे होते हैं, थोड़ा सा होता है ना यार, आप भी बड़ा मजा आता है। अच्छा होता है थोड़ी सी देखी हुई उन्होंने तो मैं ही देख लेता हूँ उन्होंने पहले क्या क्या देखा हुआ इसमें, कितना देख चुका है, कहाँ तक पहुँच चुका है ये लड़का। क्योंकि आते ना यार मैं तो बस डार्क देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, देख रहे हो 50 शेड देख रहे हैं उसके। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मोहित भाई, आपने स्कैंडल्स के अंदर मुलव्विस रहे, आप काफी स्कैंडल, बल्कि आपको अक्सर लोग स्कैंडल कहते रहे खुद ही, तो ये स्कैंडल तो क्या सीन है यार, आप क्यों पड़ जाते हैं इतने स्कैंडल्स में? आप बताएं स्कैंडल क्या है? मुझे पता नहीं है। मैं तो अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। नहीं आप किसी स्कैंडल का पार्ट रहे? नहीं कभी भी नहीं रहा, हमने तो सुना नहीं। क्यों? इसलिए जैसे कि यार को आपसे स्कैंडल बनवाना ही नहीं चाह रहा, या आप खुद मोहतात रहते? देखिए जिसका स्कैंडल सामने आया वो पकड़ा नहीं जाता। वेरी गुड, तो कर रहे हैं आप, पकड़े नहीं जा रहे? मर्द में पूरा हूँ भाई। बुरे हैं या पूरे हैं? पूरे पूरे, तो हमारे नहीं बन रहे तो हम आधे आधे। पूरा मर्द कैसे बनता है? खुराक बताता हूँ, खुराक पेट खराब है संभाल नहीं पाऊंगा। तो बॉडी पार्ट ऐसा जो अल्टर कराना चाहे, अल्टर सॉरी, इसमें कोई मुंह बनाने की जरूरत नहीं थी, बॉडी पार्ट बहुत सारे होते हैं। वो बहुत सारे बॉडी पार्ट ही तो आ गए जहन में। ओके ठीक चल रहा भाई, कोई मसला नहीं, सब रवाएं। कोई छोटा बिच्छू लगवा लिया? आदेश कुछ नहीं लगवाना होता, एक खुराक है, पेट ठीक हो तो बताना। फैंस होते हैं जैसे अभी आज में ये क्या नाम है लड़का उसामा गौरी, हमारा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, रास्ते में पूछा था आपको कभी कोई वेर्ड मैसेज आया? मैंने कहा हाँ यार, एक खातून का मैसेज आया कि मैं आपसे बहुत पाकीजा मोहब्बत करती हूँ, एक बार आपके सीने पे सर रखना चाहती हूँ। जगह का मसला है। वैसे सीना ओवरबुक चल रहा है मेरा, सीना ओवरबुक्ड है, दिसंबर तक की बुकिंग लेगी मैंने सीने की। इस तरह के मैसेज आ जाते हैं। तो आपको कभी कोई वियर्ड मैसेज या कोई हरकत फैन ने की हो? नहीं वियर्ड हरकत नहीं की, इजहार मोहब्बत तो खुल्ला। नहीं नहीं खुल्ला खुल्ला भाई बिल्कुल, और बिल्कुल वो जेन्युइन है। अच्छा, इन लव वाली सिचुएशंस बहुत हुई है। शादी का इरादा बनाया? बन जाएगा इरादे हैं, बन जाएगा। क्या करूंगा अकेले बैठ के, 4 साल से अकेला बैठा हूँ, क्या करूंगा? सुनने वालों सुनो, हाँ 4 साल से, हाँ जो पका रहे हो पकाते रहो, लेकिन ठीक है क्या हमसे नहीं पूछ लो आप यहाँ मुझसे कोई नहीं पूछ रहा, आपस में चल रही है, पता नहीं क्या चल रही है। हाँ, ये तो ये है पता है उनके नहीं पूछ रहे। अच्छा यानी कोई चक्कर नहीं चल रहा सर? नहीं नहीं क्यों चल रहा? अच्छा आप पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछूंगा ही नहीं। हाँ यार जानी सुना यार जुल्म क्यों भाई मुझसे पूछो ना। मैं तो पूछा ही नहीं आपसे, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आप सिंगल हैं? आपने कहा हाँ। शादी का इरादा? आपने कहा हाँ। अब आप कह रहे हो पूछो ना किससे अब कितनी ये नहीं बताया मैंने पूछा, मैं सवाल में जा ही नहीं रहा। ओके गुड, मैं होता ही नहीं कंबल। अच्छा तो किससे चक्कर चल रहा है? लड़की के अंदर क्या देखते हैं? एक तो कुछ होता है ना, जैसे भाई कुछ लोगों को होता है कि यार अच्छे बाल हों, मुझे अच्छे पाऊं साफ पाऊं बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? इंसान अच्छी हो,
इंसान अच्छी बैलेंस्ड मुझे साफ अच्छे लगते हैं यार, क्या मतलब है? खुद ही कह रहे हो यार वहाँ यू 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 कर करके वो मैं प्रेशर कंट्रोल कर रहा हूँ भाई, पेट खराब है यार, बार बार बताना पड़ रहा है। पाँव पे प्रेशर क्यों मार दिया तुमने? अगर पैदा होने का मौका मिल जाए दोबारा, बोले भाई फिर से आओ, एक चक्कर और लगा लो, एक चक्कर और लगा, होता है ना यार अभी गीले हैं, एक चक्कर और लगा दो, तो एक चक्कर और लगने का मौका मिले, तो कौन से डेकेड में पैदा होना चाहेंगे? 90s में, 80s में, 70s में, 50s में? यार वो टेस्ला आइंस्टाइन टाइप माहौल चेक करने का, टेस्ला को समझाना आप, अबे तुझे पागल बना रहा है या एडिसन? नहीं नहीं, देखना है कि क्या कर रहे थे यार, उनका अलग आइटम थे भाई ये एडिसन बल्ब, मतलब अबे एडिसन ने नहीं बनाया यार, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो तो है, वो तो अब एक लंबी, टेसू ने बनाया, टेसू ने, टेस्ले ने, वो बना रहा था, वो जल्दी फट रहे थे टेस्ला के, इसके एडिसन के, एडिसन के फटे ऐसे बराबर में रहता ना एडिसन, अबे उसके बल्ब के बल्ब फट रहे, टेस्ला वाले चल रहे थे। लेकिन आप जाना ना उसको, टेस्ला को समझाना तेरे को बेवकूफ बना रहा है एडिसन, तेरा आइडिया चोरी कर रहा है, बता रहा हूँ तू हल्के सस्ते में बिक रहा है। वो बहुत भारी चल रहा था टेस्ला, वेस्ला, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है वो। हाँ भाई उस वक्त वो देखना है, टावर छावर क्या स्टेट ऑफ माइंड, क्या माहौल होगा यार। आपको कोई लिफ्ट क्यों कराएंगे? इतना पढ़ी लिखी बातें कर रहे होंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं कोई सफाई वाला बन के चला जाऊंगा, कुछ भी चेक तो करूंगा, सीखने तो पहुंचे, अच्छा लगेगा यार, बड़ा मजा, इंस्पायरिंग कितना होगा। सोचो डिसअपॉइंटमेंट हो, कुछ भी ना करते हो, सिर्फ किताबों में ऐसी स्टोरियां हुई है, बैठे मल्लू बना रहे। एडिसन और टेस्ला बैठे भर रहे हैं तो भाई मैं फ्यूचर से आया, आपकी बड़ी अच्छा, आपके नाम की गाड़ी भी आ गई, बिजली बनाई थी आपने। बिजली बिजली क्या होती है? मेरा अंडे वाला वर्ग। अभी ये लगा ले, अभी देख बल्ब ऑन होगा। अच्छा अब मुंबई क्योंकि टेल एंड पर है, बिल्कुल एंड पे आ गई है, अल्लाह ही जानता है पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो चला जाना भाई। कौन अब जाऊंगा, आखिरी कर रहा हूँ ना बस, okay. एक साथ ही जाऊंगा, आके फिर 10 मिनट बैठूंगा, फिर जाना पड़ेगा। उफ उफ, यही कटवा दें गोला। टेस्ला रखा, टेस्ला रखा, टेस्ला वायरलेस, एक टेस्ला रख दे नीचे। आए अच्छा अब ऐसे कर, सुबह उठे आप अचानक, ऐसे तो कर नहीं करो, कोई एक्स्ट्रा हरकत नहीं करूंगा। अच्छा वीपीएन है आपके पास? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों लगाया? आपको नहीं पता क्यों लगाया? मुझे नहीं पता, मेरे पास मेरे मुल्क में तो चलता है डायरेक्ट। इस वक्त आप मेरे मुल्क में बैठे हैं, हमारे मुल्क में हम है ना, फटी फटी ड्यूअल नेशनल। फॉरन आया यू, क्या हो गया? मेरे पास चांस था, मैं चला गया, आपके पास नहीं था, कच्ची हो गई। अच्छा आप जब आप आते हैं यहाँ तो कितने दिन रहते हैं? 12-10-12 दिन। फैमिली के साथ आते हैं? नहीं, फिर भी वीपीएन नहीं है, सबर है भाई। सबर, इतने हल्के नहीं हम लोग, सिर्फ पेट हल्का है थोड़ा आजकल, बाकी चीजों में पेट ठीक कर, खुराक ठीक नहीं थी, मैं सही मैं सही कराता हूँ, मैं वीपीएन नहीं लगाता भाई, मेरे को और भी ऑप्शन है मेरे पास। ओए ओए ओए, लाइव चल लिया भाई। आखिर में क्या करते हैं, छोटा सा एक 5 सेकंड का इम्प्रोव खेलते हैं और क्राउड से सोर्स करते हैं सिचुएशन और कैरेक्टर्स और उस पर छोटा सा प्ले करते हैं, ठीक है? भाई तू खड़ा ही गलत हुआ है। कैसे खड़ा होता है? मैं क्लास 10 से 6'2" हाइट, ऐसे खड़े होती हूँ। ओ यस, यू गेट, हाँ भंड, वो पीली वाली नहीं थी, टाइट स्किन फिटिंग, बस ऐसे हाँ यू करके ना करे। अच्छा पीछे आपके छोटा आदमी खड़ा होता है, मगर वो आपको आपके एंगल से खड़ा होता है। खुदा की कसम छोटी वाली नहीं होती थी, पीली वाली, क्या पीली पीली बस पीली, वो तेरी सीट नहीं, उसको मैं यूं पकड़ता था, यहाँ आती थी बाहर निकला हुआ मुंह, अंदर तो आ ही नहीं सकते, यूं अंदर आता था। बहुत छोटी बस का ये था कि वो उसका खास जुमले होते हैं, बैच किराया, हाँ खाला किराया, चलो भाई मेरा आगे होते रहो, आगे रहो, शाबा शाबा शाबा। एक बार बस में बैठा हुआ, लेडीज साइड पे खातून बैठी और पीछे उनके एक बुजुर्ग अंकल बैठे, मुझे नहीं पता बुजुर्ग अंकल ने क्या किया, मैंने होते हुए नहीं देखा, मगर अचानक वो आंटी खड़ी हो गई, बगैरत कमीने कुत्ते, तेरे घर में वो जो होते हैं जुमले, हो सकता है अंकल ने किया, मैंने देखा नहीं उनको करते हुए, और मैंने ये भी नहीं पता कि नहीं किया हो शायद, तो मुझे कहने लगी, भाई साहब आप सुनिए, इसको उतरने मत दीजिएगा। मैं काका,
वो अंकल मुझे साथ लेके भी उतर सकते थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे भाई थैंक यू, आप आए, आपने मेरी इतनी इज्जत बढ़ाई और टीबीएच को एक दो चार नॉचेस ऊपर ले गए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मोहित मिर्जा लेडीज एंड जेंटलमैन। यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट।